हेलो एवरीवन, मैं काजल शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का टीचिंग पिक्चर पे स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो एसटेट के रिगार्डिंग एक नई अपडेट आई है उसके बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहा गया है कि जो आपके डमी एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए गए हैं बीएसएट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो आप अपना मोबाइल नंबर अपने पासवर्ड के थ्रू जो है अपना डमी एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा फॉर्म फिल करने के टाइम, ठीक है, अगर आपकी कोई त्रुटि हो गई थी, कोई गलती हो गई थी, आपने पापा का नाम गलत कर दिया, या कुछ भी कोई भी गलती हो सकती है, तो आप जो है उस त्रुटि को सही कर सकते हैं। तो कब से कब तक, 12 तारीख यानी कि आज से लेके, ठीक है, आज से लेके 17 तारीख तक जो है आप जो है अपनी कोई भी त्रुटि फॉर्म फिल करने जो हुई थी उसको सही कर सकते हैं। और इसके अलावा हम एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे, तो देखिए आप क्या करेंगे, बीएसटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर व पासवर्ड डाल के लॉग इन करके अपना डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा आपको लगता है कि आपने पासवर्ड आपको याद नहीं है, तो आप यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये था आपका डमी एडमिट कार्ड के लिए। इसके अलावा यदि आपको अपने पेपर में क्या करना है, कोई त्रुटि सही करनी है, करेक्शन करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है कि अभ्यर्थी अपना नाम व आवेदन संख्या, मतलब जो कैंडिडेट है अपना नाम और एप्लीकेशन नंबर को छोड़कर, ठीक है, आप अपना नाम चेंज नहीं कर सकते, एप्लीकेशन नंबर को चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा बाकी जितनी भी फील्ड है, चाहे वो कैटेगरी हो, चाहे पापा का नाम, ममा का नाम, ठीक है, जहां आपको एक पेपर से दोनों पेपर का विकल्प चूज करना है उसके लिए आप चूज कर सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, धन राशि का भुगतान करना अनिवार्य होगा अथवा संशोधन मान्य नहीं होगा, आपका आवेदन तो रहेगा। इट मीन्स क्या है कि मान लीजिए पहले आपने क्या किया था, ऐसी कैटेगरी में फॉर्म फिल किया था, अब आपने जनरल कैटेगरी में फॉर्म सही करना है, ठीक है, फिल करना है, तो उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है जी, इसके अलावा और क्या कहा गया है कि एसटेट 2024 के सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आप अपने आवेदन में फोटो एवं सिग्नेचर की अनिवार्य रूप से जांच कर लें, कि जब आपने फॉर्म फिल किया था उस टाइम जो आपने फोटो अपलोड की थी, सिग्नेचर अपलोड किए थे, उसको एक बार चेक कर लीजिए कि वो सही तरीके से विजिबल है, ठीक है, प्रॉपरली विजिबल है। अगर प्रॉपरली विजिबल नहीं है तो आप दोबारा से लॉग इन करके सही फॉर्मेट में फोटो और सिग्नेचर को दोबारा से अपलोड करें, अथवा अगर आपका फोटो और सिग्नेचर विजिबल नहीं है प्रॉपरली, तो आपको एग्जाम के टाइम पे जो है क्या है परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सो हमें प्रॉब्लम ना हो, इससे बेटर यही है कि सब बच्चे एक बार लॉग इन करके अपनी फोटो अपने साइन क्रॉस चेक कर लीजिए, अगर कहीं भी थोड़ी बहुत लग रहा है तो आप उसको दोबारा अपलोड कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए जल्दी सब बच्चों ने अपना डमी एडमिट डाउनलोड करना है, और जो यहाँ पे दिया गया है अगर आपको लगता है कहीं भी आपसे लाइक गलती हुई है आप उसको सही कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सब बच्चे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए। तो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। जो बच्चे नए हैं चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।